हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग विद शाइन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो लच्छा पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिए 2 कप मैदा, इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गून लेंगे। ये देखिए, हमने आटे को गून लिए, हमने इसे मीडियम सॉफ्ट गुने। अब हम इस पे डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल और इसे 30 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमने लिए 5 बॉयल आलू, इसे हमने इस तरह से स्मैश कर लिए। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून क्रश कोरिएंडर सीड्स, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। हम डालेंगे चॉप्ड कोतमीर, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 फाइनली चॉप्ड ऑनियन। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, 30 मिनट्स हो गए हमारे आटे को रेस्ट करते हुए। सब में पहले काउंटर पर हम थोड़ा ऑयल रब करेंगे। 10 मिनट के लिए हम आटे को अच्छे से इस तरह से गून लेंगे। अब हम इसके पेड़े बना देंगे। काउंटर पर हम आटा डस्ट करके इसे पतला बेल लेंगे, जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सूखा आटा डस्ट करेंगे। आलू के मिक्सचर को हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम पेपर फैन बनाते हैं। इसे हम हाथ से थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से हम इसे गोल गोल फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े को तैयार कर देंगे। काउंटर पर हम थोड़ा ऑयल लगाएंगे और पेड़े को हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमने पराठे को अच्छे से प्रेस कर लिए। अब हम इसे सेकेंगे। पैन पर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। पराठे को हम एक तरफ से अच्छे से सेकेंगे। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल रब करेंगे। ये देखिए, हमारा लच्छा पराठा अच्छे से सेके गया। अब हम इसे आपको डिश आउट करके बताते हैं। ये देखिए, हम आलू लच्छा पराठा आपको डिश आउट करके बता दिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी लेके।